हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आज के इस वीडियो में। हम बात करने वाले हैं गाइस कि आप अपने फ़ोन में अपनी स्मार्ट कॉल सेटिंग कैसे कर सकते हैं। तो ये वीडियो में सिंपल सिंपल स्टेप है, आपको ने फॉलो करके आप अपने फ़ोन में अपनी कॉल सेटिंग कर सकते हैं। तो वही वीडियो की जानकारी के लिए वीडियो लास्ट तक जरूर देखना है। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने के लिए गाइस सबसे पहले हमें अपने फ़ोन में अपने डायल पैड में जाना है। डायल पैड में जाने के बाद यहाँ पर आपको इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है 3 डॉट का, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि कॉल हिस्ट्री, सेटिंग, हेल्प एंड फीडबैक। तो वही हम अपने फ़ोन में अपनी कॉल सेटिंग करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको सेटिंग का ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहला ऑप्शन आता है कॉलर आईडी एंड स्पैम, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सी कॉलर एंड स्पैम आईडी का ऑप्शन को ऑन कर देंगे, और यहाँ पर आपको फिल्टर स्पैम कॉल से इस ऑप्शन को भी आपको ऑन कर देना है। तो कई बेक आते हैं, बेक आने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है ब्लॉक नंबर्स, तो आप ब्लॉक नंबर पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अननोन नंबर के ऑप्शन को ऑन कर देना है। ऑन करने से गाइस क्या होता है, जैसे कि आपके फ़ोन में जो कॉन्टैक्ट सेफ नहीं होते हैं, आपके वो नंबर यहाँ से ब्लॉक हो जाते हैं इस ऑप्शन को ऑन करने से। अगर आप चाहते हैं किसी पर्सनल नंबर की आपको कॉल ब्लॉक करनी है, तो यहाँ पर आपको ऐड नंबर पे क्लिक करना, उसका नंबर डालना, यहाँ से उसे ब्लॉक कर देना है। तो गाइस बेक आते हैं, बेक आने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है कॉलिंग अकाउंट्स, तो आप कॉलिंग अकाउंट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एडवांस के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको प्लेस ऑन कॉल करनी है, तो आपको इस ऑप्शन को ऑन कर देना हो। यहाँ पर आपको फिक्स डायलिंग नंबर करना है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है आपका कॉल फॉरबिड, जैसे किसी नंबर की कॉल फॉरबिड आप अपने नंबर पर करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। कॉल वेटिंग भी कर सकते हैं यहाँ से, और यहाँ पर आपको एडल सेटिंग का ऑप्शन देखने को मिला था, तो आप इस पर क्लिक करके आप यहाँ से कॉल वेटिंग भी कर सकते हैं। तो वही देख लेते हैं, बिक आने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है कॉल रिकॉर्डिंग, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको नंबर नॉट इन योर कॉन्टैक्ट के ऑप्शन को आप ऑन कर देंगे, तो आपको गाइस उन नंबरों की कॉल रिकॉर्डिंग शुरू हो जाती है जो आपके फ़ोन में सेफ नहीं होते। अगर आप चाहते हैं किसी पर्सनल नंबर को आपको कॉल रिकॉर्डिंग करनी है किसी पर्सनल नंबर की, तो आपको सेलेक्ट नंबर पे क्लिक करना हो। यहाँ पर आपको चूज़ है कॉन्टैक्ट पे क्लिक करके उसका नंबर सेलेक्ट कर लेना है जिस नंबर को आपको कॉल रिकॉर्डिंग करनी है। तो गाइस इस तरीके से आप अपने फ़ोन में अपनी कॉल रिकॉर्डिंग भी इनेबल कर सकते हैं। तो गाइस बेक आते हैं, बेक आने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है डिस्प्ले ऑप्शन, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन देखने को मिल जाता है शॉर्ट वे एंड फोन में चूजते हैं, तो आप शॉर्ट वे पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो आपके कॉन्टैक्ट होते हैं गाइस, आप वो फर्स्ट नेम से शो करना चाहते हैं या लास्ट नेम से, तो यहाँ पर फर्स्ट नेम से करना चाहते हैं तो फर्स्ट नेम से कर सकते हैं, सोन नेम से करना चाहते हैं तो सोन नेम पे क्लिक कर देंगे। तो गाइस बेक आते हैं, बेक आने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिला था नेबली प्लीज, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको नेबली प्लीज के ऑप्शन को ऑन कर देना हो, यहाँ पर आपको ये वाला ऑप्शन को भी ऑन कर देना है यहाँ से। तो गाइस बेक आते हैं, बेक आने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिला था किक योर रिस्पॉन्सेस, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। तो गाइस जैसे कि आपके पास किसी व्यक्ति की कॉलें आती है, आप किसी मीटिंग वगैरह में बिजी हैं, तो उसकी कॉल नहीं उठा पा रहा, तो आप यहाँ से उसे SMS कर सकते हैं जब आपको टाइम मिले। तो यहाँ से आपको बेक रहना, बेक आने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिला था साउंड एंड वाइब्रेशन, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो गाइस आपको अपने फ़ोन में अपनी रिंगटोन लगानी है, चेंज करनी है, नोटिफिकेशन रिंगटोन लगानी है, तो आप यहाँ से लगा सकते हैं। अलार्म लगाना अपना, तो अलार्म के वॉल्यूम को जो आपको बढ़ाना, तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो गाइस बेक रहते हैं, बेक आने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिला था वीडियो कॉलिंग का, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिला था, तो आपको इस पर रहने देना है यहाँ से, यहाँ पर आपको बेक रहना है। बेक आने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिला था वॉइस मेल, तो आप वॉइस मेल पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिला था एडवांस सेटिंग, तो एडवांस सेटिंग पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको सर्विस एंड नंबर दो ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, तो आप नंबर पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद गाइस जिस नंबर पर आप अपने फ़ोन पर वॉइस मेल भेजनी है उसका नंबर डाल देंगे यहाँ पर, यहाँ से इसे ओके कर देंगे। इस तरीके से ओके करने के बाद उससे अपनी वॉइस रिकॉर्ड कर देंगे और आप अपनी वॉइस मेल भेज सकते हैं। तो कहीं पिक आते हैं, पिक करने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है फ्लिप टू साइलेंट, तो इस पर क्लिक करने के गाइस क्या होता है, जैसे कि आप चाहते हैं कि आपके फ़ोन पे किसी की कॉल आती है तो आपकी जो रिंगटोन है खुद ब खुद ऑफ हो जाए। तो एग्जाम्पल जैसे कि आपका फ़ोन जो है टेबल पर रखा है, आप अपना फ़ोन फ्लिप कर देंगे यानी कि उल्टा रख देंगे, तो आपको फ्लिप टू साइलेंट पर क्लिक करके इस ऑप्शन को जब आप ऑन कर देंगे, तो आपको जो रिंगटोन है वो खुद ब खुद ऑफ हो जाएगी फ़ोन फ्लिप करने से। तो गाइस इस तरीके से आप अपने फ़ोन में अपने स्मार्ट कॉल सेटिंग कर सकते हैं। तो गाइस वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करें, लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।